भागवत जी जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है। भागवत जी का ये कहना है कि पृथ्वी पर अगर कोई अमृत चीज है, अमृत तत्व है, तो वो ये त्रिफला है। त्रिफला में तीन फल है, आंवला है, बहेड़ा है, हरडे है। लेकिन जो महत्व की बात आपको समझने की है वो ये कि हर, बहेड़ा, आंवला, इसको हमेशा 1, 2, 3 के अनुपात में ही उपयोग करें। भागवत जी ने त्रिफला उपयोग करने के लिए बोला है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्व की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उपयोग ना करें, या तो इसमें गुड़ मिलाएं या तो इसमें शहद मिलाएं। अकेला उपयोग करना हो तो ज्यादा दिन ना करें, नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी। ज्यादा दिन से मतलब 3 महीने के आगे ना करें। तो मैंने जो बताया, रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूध के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना ऐसा माना जाता है। दूध के साथ अकेला नहीं है, गुड़ के साथ अकेला नहीं है और शहद के साथ अकेला नहीं है। त्रिफला में तीनों के बारे में मैंने कल थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। ऐसे ही भागवत जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तु है, त्रिकटु है, फिर ऐसे कर करके उन्होंने पूरी एक सूची बताई है। अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बातें जो छूटी हुई हैं वो बतानी है। त्रिफला जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने कल कहा था, जीरे के बारे में कहा था आपको, थोड़ा हींग के बारे में कहा था, अजवाइन के बारे में कहा था। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना, लेकिन बोलना जरूरी है, वो है मेथी का दाना। भागवत जी कहते हैं कि अपने रसोई में आंवला, हरडे, बहेड़ा, इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाइन, फिर उसके बाद बोला तो जीरा, फिर उसके बाद बोला तो हींग, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मेथी का दाना। इस मेथी के दाने के बारे में, इसकी जो विशेषता है मेथी की, ये वात नाशक है और कफ नाशक है। वात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति इस मेथी में है। मेथी पित्त को बढ़ाती है, वात को कम करेगी, कफ को कम करेगी, पित्त को बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेथी उपयोग अगर आप करते हैं तो वात की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से। पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मेथी पित्त को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से है उनके लिए विनती है कि वो मेथी का उपयोग ना करें। जिनको पित्त की बीमारी पहले से है वो मेथी का उपयोग ना करें। पित्त की बीमारी आप समझते हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, मुंह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुंह में रहना, डकारे आना वगैरह वगैरह, हिचकी आना, ये ज्यादातर पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। तो मेथी के लिए भागवत जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़कर वात और कफ के रोगी इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अब वात की बीमारियां अगर आपकी हैं, घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, जोड़ों का दर्द, मेथी का उपयोग जरूर करें, जरूर करें। अब आप पूछेंगे जी मेथी का उपयोग करने का तरीका, तरीका बहुत सरल बताया भागवत जी ने कि रात को 1 गिलास गुनगुने पानी में या गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें, रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने का महत्व तो बहुत है। कई लोग मेथी की फंकी लेते हैं, पिसा हुआ मेथी होता है ना, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत्व तो इतना नहीं है जितना चबाकर खाए हुए मेथी का है। क्यों? कारण उसका यह है कि जैसे ही मेथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है, क्योंकि मेथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है, कषाय स्वाद है उसका। तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी, और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए मेथी दाने को चबाकर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। तो आप मेथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें, रसोई में रखें, उसका उपयोग करें। इस मेथी दाने के लिए
एक बात वैसे मैंने महसूस की है, हमारे ज्यादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मेथी होती है ज्यादातर। तो आप बागवट जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मेथी है वो अचार नहीं है, औषधि है, दवा है। माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मेथी है। मेथी है तो जरूर खाएं, वो चाहे आम का अचार हो, चाहे कोई भी दूसरा नींबू का हो, या जो भी अचार आप डालते हैं अगर मेथी है तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं। कुछ अचारों में मेथी के अलावा ये भी होती है, अजवाइन होती है। अगर अजवाइन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं। क्योंकि महत्व की बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी अचार पर, किसी भी फल पर औषधियों का असर फल से ज्यादा होता है। जो विज्ञान की बात है वो ये कि आपने अचार डाला, तो मान लो आम का फल था, आम के फल का अचार डाला, अब इस पे मेथी पड़ गई या इस पे पड़ गया ये अजवाइन पड़ गई, तो अजवाइन और मेथी दो ऐसी औषधियां हैं जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती। तो कई लोग ऐसा घबराते हैं ना, मुझे अचार खाना तो अच्छा लगता है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी तकलीफ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेथी पड़ी हुई है किसी भी अचार में और आप वात के रोगी हैं या आपको कफ की तकलीफ है तो बेझिझक वो अचार खाइए, तो अचार के साथ मेथी जाएगी। और अचार में पड़ी हुई मेथी का असर पानी की मेथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है। मैंने जो मेथी आपको बताई वो पानी में रात को डाल के सुबह खाना, इसका जितना असर है, लेकिन अचार में डाली हुई मेथी का असर इससे कई गुना ज्यादा है। क्योंकि अचार में ये मेथी 5-6 महीने साल भर पड़ी रहती है। मेथी के बारे में बागवट जी कहते हैं कि तेल में मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो मात वही है कि अचार में तो तेल भी है, बिना तेल के अचार नहीं है। अब मेथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति जो काम करने की है वो 20 गुनी ज्यादा होती है, कम से कम 20 गुनी ज्यादा होती है। तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मेथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाभकारी है। और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पड़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है। अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूं कि हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं वो कितनी वैज्ञानिक हैं कि अचार के रूप में मेथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती हैं। वो अनजाने में कितना बड़ा विज्ञान का काम कर रही हैं। जानकर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो, कितना गौरव हो, लेकिन अनजाने में वो कर रही हैं। तो ये बात मैं विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती हैं वो बहुत वैज्ञानिक है, भले उन्होंने अपनी मां से सीखा हो या दादी मां से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो। अनजाने में आपने एक ऐसी चीज सीख ली है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते। कोई भी MBBS MD डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और चूंकि वो जानता नहीं है तो अनजाने में कह देता अचार मत खाओ जी, हाँ नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको ये मालूम नहीं है कि मेथी दाने का अचार है, अजवाइन का अचार है, जीरे का अचार है, तो ये जीरा है, मेथी दाना है, अजवाइन है, हींग का अचार एक बनता है। तो बागवट जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधि अगर पड़ गई है तो वो फल का असर कम है, औषधि का असर ज्यादा है। और आयुर्वेद की औषधियों को कुछ विशेष कॉम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो असर सबसे ज्यादा है। माने बागवट जी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्व की बात है कि उसमें या तो मेथी हो, या तो अजवाइन हो, या तो जीरा हो, या तो हींग हो, दालचीनी हो, जो भी है, औषधि के बिना अचार ना खाएं। ये है उनका सूत्र। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते हैं, माने बहुत बढ़ाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगी होंगे नहीं। माने चूना, वो बोलते हैं, सबसे बेहतरीन वातनाशक औषधि है। मेथी का दाना तो है ही, चूना उससे थोड़ा 1 डिग्री ऊपर है मेथी दाने से।
चूना सबसे अच्छी वातनाशक औषधि है। चूने के बारे में बाघवट जी का बहुत बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च है, और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी। माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, चूना खाइए। फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, शरीर में कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम ये एक घटक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विज्ञान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूं, भागवत जी ने तो 3500 साल पहले कह दिया, आज का विज्ञान उसको प्रूव कर रहा है, कंफर्म कर रहा है वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको 20-ओं नहीं 50-ओं बीमारियां आएंगी। कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो 85-ओं बीमारियां आएंगी। क्या क्या आ सकता है? हर तरह का दर्द आपको होगा, हर तरह का, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का। हड्डियों की जितनी विकृतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं, रक्त के रोग, खून की बीमारी। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए। जो विज्ञान आज का कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। ये 12-15 साल का रिसर्च है, एक वाक्य में मैंने खत्म कर दिया। कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए, फैट्स आपके शरीर में डिसॉल्व होते रहे और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहे तो कैल्शियम चाहिए। माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए। अब इसके बारे में बागवट जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूफ किया, बागवट जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, दूध, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। फिर आपने खाया संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खट्टे फल, आम वगैरह वगैरह, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है, केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है। तो ऐसे जो फल हैं इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है, जठर अग्नि भी तीव्र रहती है, बाकी सब फंक्शन ठीक है। लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है, माताओं को ये बात विशेष रूप से कह रहा हूं, बहनों को, माताओं को, जैसे ही आपकी 45 की उम्र पूरी होती है और आपका मेंसिस साइकिल बंद होता है, मासिक धर्म आपका बंद होता है, उसी समय आपको कैल्शियम हजम होना कम होना शुरू होता है। आप कितना भी ये सब चीजें खाएं, केला भी खाएं, ये भी खाएं, लेकिन कैल्शियम उतना पूर्ति नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुआत है। मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है, आप जानते हैं कई हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है, तब आपको जरूरत पड़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें। इसलिए सब माताएं इस बात को ध्यान दें और इसको गांठ बांध लें
कि 45 की उम्र होते ही चूना खाएं, क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा। चूना जरूर खाएं आप सबके लिए, और आपको भी है चूना खाएं, क्योंकि आपकी उम्र भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, जो फलों से और सब्जियों से आ रहा है, कुछ अतिरिक्त चाहिए। और चूंकि बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम की उपस्थिति में ही काम आएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विकसित हुई है पान खाने की। ये पान खाने की परंपरा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक। जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा, बहुत समझकर उसने ये शुरू की। और ये अद्भुत है, अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम ये परंपरा है। कहीं भी चले जाओ आप, सिक्किम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, वो भी पान खाते हैं। और आप धुर दक्षिण में आ जाओ तो यहां भी है, उत्तर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो ये पान खाना भारतीय सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने का ही खाना है, पान जो है चूने का ही खाना है। पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं, क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है। कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं, चूना औषधि के लिए उपयोग करते हैं। ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं। तो आपके रसोई में मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, पान हो गया, फिर पान के बाद आपको जीरा, हींग वगैरह वगैरह, अजवाइन, ये सब हो गई। ऐसी कुल 108 औषधियां हैं। गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये औषधियां हैं, इनका भरपूर उपयोग करिए। एक औषधि के बारे में बागवट जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में बागवट जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में बागवट जी कहते हैं कि ये दमा, अस्थमा, इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में बागवट जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन, मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना। तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50, कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में हैं। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, रसोई से बाहर निकलता हूं, क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और 3-4 दिन जाएगा। आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है, जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा, और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए। बागवट जी के ही सारे सूत्र हैं। बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में, उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है। लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए,
6-7 साल हमने खूब परीक्षण किया है, परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है, ताकि किसी को फायदा तो हम दें अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बागवत जी कहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, भगवान ने या प्रकृति ने, उनमें से एक चमत्कारी चीज वो बोलते हैं गाय है। गाय, बागवत जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने जितनी चमत्कारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं उसमें से एक है गाय। और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं। बखान शब्द आप समझते हैं, खूब प्रशंसा करना, खूब प्रशंसा करना। वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है, मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, कफ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, और पित्त, पित्त के रोगों को भी खत्म करने की शक्ति है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। वात और कफ को तो ये अकेला ही खत्म कर देता है, पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलानी पड़ती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं, वात पित्त कफ, इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी, 148 रोग हैं लगभग भारत में, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत। तो भारत में वात पित्त कफ के कुल 148 रोग हैं। बागवत जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र। मेथी का दाना वात को कम करेगा, कफ को कम करेगा, पित्त को खत्म नहीं कर सकता, पित्त को कई बार बढ़ा देता। कई लोगों को यह महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है, गैस बनती है, मुंह सूख जाता है, तो आप समझ लो पित्त भड़क गया आपका, तो उन लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन वो कहते हैं कि यह गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात पित्त कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये तो उन्होंने लिख दिया 3,500 साल पहले, तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। हमको इस पर भरोसा कम होता था, जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो, वात पित्त कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है, थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो, बागवत जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो, करके देखो। तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए, हजारों। सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या, तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है, पानी के अलावा क्या है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है, पानी के अलावा उसमें आयरन है, पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है। पानी तो है ही गोमूत्र में, आपके भी मूत्र में पानी है, लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है, मनुष्य मूत्र में नहीं है। कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, एफी है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं, ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी में, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में, दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में, पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र। तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत्कारिक है। तो हमको लगा कि करके देख लो, तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया एक लेबोरेटरी में, गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया, शीशी में भर के, कि जरा देखो इसमें क्या है। तो 6 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद, लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका
बड़ा नाम है, बड़ा जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसका नाम भी बता दूं ताकि आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर लें। प्रयोगशाला का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में दवाओं पर, औषधियों पर काम करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और 3-4 तरह के गोमूत्र दिए। एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में है, सबके सब, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ। घटकों की कमी से ही रोग होते हैं। वो घटक का नाम है सल्फर, एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, यह है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर चाहिए, तो सल्फर हम चाहे तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको, सल्फर चाहे तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था। हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया, उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो। तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिए इसमें वगैरह वगैरह, बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजीव भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूं, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी। तो मैं उसको समझाता था भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर, जिन लोगों ने पी लिया हमने देखा कि 1.25 महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ। 3रे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग ठीक, और क्या क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं होता। आप जानते हैं एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाषा है डॉक्टरों की। तो वो सोराइसिस ठीक हुआ, एक्जिमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान, खुजली, खाज, दाद, सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए। तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते हैं। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है, 15 से 20 दिन में ही असर है। फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 साल की खांसी है। अब आप जानते हैं 20-25 साल की खांसी तो दमाही हो जाती है या तो टीबी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो 20 बार कर चुका। सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां, डॉट्स की गोलियां टीबी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीबी है, अस्थमा है, दमा है, उसको कहो नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो, फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश, जो ताजा। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीबी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि बागभट्ट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र, क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पिए नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरप है, आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे, शिकायत करते थे कि ये कैसा सीरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सीरप तो मीठे मीठे लगते हैं कि भाई ये सीरप दूसरे तरह का।
तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं, तो हमें तो करना था, तो उनको बताया गया। तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है, डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई। डॉट्स तो काम कर ही रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महीने में खत्म होने वाली थी वो 2.25 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था, तो तुरंत नाक चढ़ गई उन्हें, ठीक हो गए। कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चढ़ गई। तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना। गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, तीनों के जड़ से खत्म होते हैं। अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जब मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कि गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता है। तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का, इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के, तीनों कैंसर पे। बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है। तो भागवत जी के जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, मतलब कि गोमूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी, वो करके देख रहे हैं, और वो करके देखने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है इस देश में। आप कभी भी वहां जा सकते हैं, 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा। वलसाड में बन रहा, वलसाड, वलसाड आपने सुना है गुजरात में। तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था। माने हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया, जगह भी दे दी, तो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। जो वैज्ञानिक गोमूत्र पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से, वो सब इकट्ठे होकर वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं, वो सब में अच्छा है, हर बीमारी में काम आ रहा है। कैंसर में करेंगे, और हर तरह के कैंसर में करेंगे, गर्भाशय के कैंसर में करेंगे, रक्त कैंसर में करेंगे, ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है उसमें करेंगे। और शायद हमें लगता है 1-1.5 साल के बाद मैं दोबारा आपको मिलूंगा, तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है। 3 तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं, गले का, आहार नली का और पेट का, ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है। आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक केमिकल कम होता है, उस केमिकल का नाम है करक्यूमिन। ये आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है, करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है, ये कम है तो जरूर तो खत्म होगा आदमी, कैंसर आएगा और खत्म होगा। और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूथ जैसा बना लेती हैं, वो ट्यूमर हो जाता है, फिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता है और फिर वो मैलिग्नेंट होता है, पहले बिनाइन फिर मैलिग्नेंट, और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और कुछ है नहीं, उसमें कंट्रोल के बाहर है वो सब। सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए। अब संयोग की बात देखिए कि जिस करक्यूमिन की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो करक्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है, भरपूर मात्रा में, और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में है। डाइजेस्टिबल माने तुरंत पियो और असर करे, ऐसा देर नहीं लगे, ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकृति का। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तत्व कम होता है तभी कैंसर होता है। अब यही तत्व गाय के मूत्र में है, तो हजारों साल पहले बागवट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी, साल भर में तो सब मान लेंगे। अब तक जितने रिसर्चेस हुए हैं गोमूत्र पर, इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई। भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले, तो वो सब गया तो MCI वालों ने नाक चढ़ाई बहुत, ये क्या आप ले आए गोमूत्र, ऐसा बात करते हैं, ये क्या ले आए गोमूत्र,
माने उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज है गोमूत्र। अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो, कुतर्क तर्क है तो चलो अच्छा है, हम उनसे संवाद कर सकते हैं, समझा, कुतर्क करते, कहते जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से। जब हमारा झगड़ा हुआ ना एमसीआई वालों से, आधुनिक डॉक्टरों से, और उन्होंने ये कुतर्क करना शुरू किया कि क्या फालतू बात करते हैं गोमूत्र इसमें कुछ है क्या, मैंने कहा भैया बहुत कुछ है, नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो 3,500 साल पहले इसको लिख के चला गया। और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा, वैद्यों ने कहा, कई वैद्य हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते हैं और आपको ठीक करते रहते हैं, उनके बहुत सारे काढ़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं, आपको नहीं बताते ये अलग बात है, क्योंकि हर वैद्य मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चढ़ जाती है सबकी, नाक चढ़े तो थोड़ा रेजिस्टेंस आता फिर दवा का असर कम हो जाता, तो बिना बताए देते रहते हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस था, तो डॉक्टरों से जब झगड़े हुए हमारे आज के डॉक्टरों से, तो उनका पहला ही कुतर्क था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों, खुद ना रखती उसको। तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई, मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी, वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ज्ञान बहुत था उसको। हमारे देश में ऐसा ही है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं गए वो सब ज्ञानी है। ये मेरा 15 साल का 100% तजुर्बे का हिस्सा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो स्कूल नहीं गए कॉलेज नहीं गए बहुत ज्ञानी है, उनके पास नॉलेज बहुत है, फंक्शनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ऑपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरदस्त है, और वो इतनी ज्ञान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर घूम जाता है। एक बार मैं आपको ये छेपक है लेकिन मैं जोड़ देता हूं आपको समझ, मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पे उतरा, बहुत बार जाता रहता हूं घूमता रहता हूं, तो रात के 2:30 बजे थे, अब ट्रेन से उतर गया, सामान थोड़ा ज्यादा था मेरे पास, एक ही सामान है किताब है, मेरे कपड़े तो 2 ही 3 है बस किताब है, तो उठाए गट्ठर, अब कैसे उठाए तो कुली चाहिए भाई, तो ढूंढना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया, मैंने कहा भाई जरा ले चलो बाहर तक, उसने कहा साहब थोड़ी देर रुक जाओ मेरा कुछ झगड़ा है। किससे झगड़ा है? तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं ले जाऊंगा। तो मैं खड़ा हो गया, दोनों की बात सुनने लगा, पति और पत्नी बात कर रहे थे, उसकी पत्नी कहीं गांव से आई हुई थी, कोई मामला था, मुझे ज्यादा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो है ना स्थानीय भाषा बोलते हैं और मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूं मुझको कम समझती, तो मैं सुन जरूर रहा था झगड़ा चल रहा था। अंत में कुछ फैसला हुआ और फैसला हुआ फिर उसने कहा चलो अब आपका सामान लेता हूं, तो मैंने जिज्ञासा से पूछ लिया भाई बात क्या थी, तो उसने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा बता दो भाई, उसने कहा मेरे घर की बात है आपको क्या बताऊं, तो फिर भी मैंने कहा बता दो, तो उसने कहा बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी मैं मान नहीं रहा था, फिर मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा अब मैंने मान लिया, मैंने कहा क्यों मान लिया। अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया, मुझे लगा कि मैं इसके पांव छू लूं, ये इतना महान आदमी है, कुली है। वो कहता है जी स्त्री जो होती है ना स्त्री, वो खूंटा होती है, खूंटा, खूंटा समझते हैं, हिंदी का शब्द है खूंटा, खूंटा जिससे हम गाय बांधते हैं बैल बांधते हैं, वो कहते हैं स्त्री जो होती है खूंटा होती है और इस खूंटे से पूरा घर बंधा रहता है, ये खूंटा उखड़ गया तो घर उखड़ जाता है। अब मैंने कहा कि भाई इसने कहीं यूनिवर्सिटी में गया नहीं, कोई डिग्री इसके पास है नहीं, इतने ज्ञान की बात इसने कैसे कही। तो मैं पूछा तुम कहां रहते हो, तो उसने बताया वहां रहता हूं कंकड़बाग, कोई जगह बताई थी वहां रहता हूं, झोपड़ी में रहता हूं। फिर मैंने कहा ठीक है झोपड़ी में रहते हो वो अलग बात है, तुम्हारे मित्र यार कौन है, तो उसने कहा मेरे ही जैसे हैं, कोई कुली है कोई पत्थर तोड़ता है कोई कुछ करता है, हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाएं करते। मैंने कहा बड़े ज्ञान की बात है ये, तो कोई फिलोसोफर इस बात को पाने में 10 साल लगाएगा, डबल PhD करना पड़ जाएगा उसको, ट्रिपल PhD और उसको साधारण। तो मेरा यह मानना है कि ये बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ज्ञानी हैं, ये अनजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ज्ञान के काम करते हैं, जो जानकर करें तो सबका गौरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है। तो बागवट जी ने कह दिया, उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अनजाने में ये किया कि बागवट जी कह गए इसलिए गोमूत्र में घिस के दो, हरडे है ना गोमूत्र में ही घिस के दो तो ज्यादा लाभ करती है, पानी में घिस के दो तो कम लाभ करती है, ऐसे ऐसे। तो मैंने उन वैज्ञानिकों से झगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है हजारों साल किया है, ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने,
तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको। तो उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको, आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको। फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है, माता है, माता है, माता। वो कभी भी हम कहते थे गाय तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो नहीं तो गो माता। गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका, तो गौ माता है। अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है, ये आप सब जानते हैं। बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है दूध, तो मां दूध छोड़ना शुरू कर देती है, बच्चे होने के पहले तक नहीं है, वो बच्चा होने के बाद ही है। तो माता के बारे में ये कहा जाता है, मां की परिभाषा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है। तो मुझे लगा गाय भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए, मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है, हम मूर्ख हैं कि उसको इकट्ठा नहीं करते, बेकार जाने देते हैं। तो वैज्ञानिकों को मैंने कहा भाई हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि ये गाय नहीं है माता है, तो मां कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो। तो उनका अच्छा ठीक है, अब आप बहुत जोर दे रहे हो, और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके ऊपर, तो चलो करके देख लेते हैं। फिर एम्स के और एमसीआई के वैज्ञानिकों ने काम किया, और काम करने के बाद 8 महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिल्कुल सही है, ये गोमूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है, हमारे लिए ही छोड़ती है, हमको बीसियों बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है। तो आप अपने जीवन में गाय के प्रति देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो। अब तक आप गाय को दूध के लिए देखते थे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के लिए देखो। दूध तो बोनस है, मूत्र उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक मिलने वाली औषधि है। दूध तो थोड़े ही दिन मिलेगा, आप जानती हैं गाय थोड़े दिन दूध देती है, जैसे मां थोड़े दिन दूध दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े ही दिन दे सकती है, हमेशा नहीं दे सकती, थोड़े दिन के बाद दूध बंद हो जाता है। लेकिन मूत्र जीवन के आखिरी दिन तक देती है, और उस मूत्र से हमने करके देख लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या क्या हैं फिर से सुना देता हूं, जोड़ों के दर्द सब तरह के, किसी भी स्तर के जोड़ों के दर्द, पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की, कफ की बीमारियां किसी भी तरह की, गोमूत्र से ठीक होती है। आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए, भागवत जी ने इसका तरीका यह बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सवेरे का। वंदे मातरम। राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे आप केवल 10 रुपए के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीडी को आप अपनी क्षमता अनुसार 100, 200, 500 या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें। सवेरे का समय बताया है, अच्छा है, सवेरे गोमूत्र लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? तो ये मात्रा भागवत जी बोलकर गए कि जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, उनको एक दिन में 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं कहा है लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है, और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लगभग 100 ग्राम। तो जो बहुत बीमार हैं उनको 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर माने एक कप जो चाय का है ना उसमें 150 ml चाय आती है, 150 मिलीलीटर, तो उसका पाव कप मान लो। ये बीमार, बहुत बीमार, बहुत बीमार लोगों के लिए, और वो कहते हैं कि इसको आधा आधा करके लो तो और अच्छा है, तो आधा एक बार ले लिया, आधा दूसरी बार ले लिया, और जिस समय लें पेट खाली रहे तो नाश्ते के पहले। अब पेट खाली दो समय रहता है दिन में, एक तो सुबह सुबह और दूसरा जब भोजन के बाद आप 4 घंटे निकल जाए ना तो पेट लगभग खाली हो जाता है, तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों। और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और लेना चाहते हैं, उनको एक ही बार, तो 50 मिलीलीटर की मात्रा उन्होंने बताई उसके लिए, स्वस्थ कम बीमार 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर माने एक कप का तिहाई हिस्सा, 1/3,
तो ये आप ले सकते हैं। अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें, वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने औषधि के रूप में देती है वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्यक है, माने वो चले दिन में, घूमे टहले। बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो, घर में ही बंधी रहे, उसके मूत्र के बारे में बागवत जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं। अब हमने क्या देखा कि ये जो जर्सी गाय है ना, जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ये बंधी हुई गाय है। आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है, बद्ध से बैठ जाती है, खड़ा करो फिर बैठ जाएगी, फिर खड़ा करो फिर, खड़ी भी नहीं होती, ज्यादा देर बैठी रहेगी। चलना तो उसके लिए इतना भारी है कि जब वो चलेगी तो ऐसी कराह निकलती है उसके मुंह से। तो ये बंधी हुई गाय है। बागवत जी कहते हैं बंधी हुई गाय का मूत्र अच्छा नहीं है, तो हमने जर्सी का निकाल के देखा, वो सच में अच्छा नहीं। जर्सी गाय के मूत्र में 3 ही घटक है और देशी गाय के मूत्र में 18 घटक है। जो कुछ मिट्टी में है वो गाय के मूत्र में है। अच्छा, फिर मुझे बचपन की एक बात याद आई, मेरी दादी माँ ने कहा कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। अब बात सुन ली, बैठ गई मन में, एक्सप्लेनेशन में पूछता था अपने आप से कि ये कैसे हो सकता 33 करोड़ देवता। तो हमारे यहां एक शब्द है कोटि, कोटि, कोटि है ना, कोटि। कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ और कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार। संस्कृत शब्द है कोटि। कोटि का एक अर्थ है करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो गिनती में आप गिने। कोटि का दूसरा अर्थ है प्रकार। तो शायद यहां पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है, 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ नहीं। क्योंकि जिस समय भागवत जी ने लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड़ से कम रही होगी, तो 33 करोड़ देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुष्यों की संख्या इतनी कम है। तो शायद वो प्रकार वाला है। और आजकल बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं ना हिंदू धर्म की, क्या बात करते हो 33 करोड़ देवता है तुम्हारे यहां, हमारे यहां तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है। तो वो शायद 33 प्रकार के देवता हैं, ऐसा है। अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहां है। जैसे गाय के मूत्र में धन्वंतरी देवता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में धन्वंतरी है, गाय के गले में शंकर जी हैं, ऐसे ऐसे करके है। अब मैंने कहा करके देखो भाई, हैं तो करके देख लो। तो पहली बात तो समझ में तुरंत आ गई कि गोमूत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन्न हुए थे, तो मूत्र में धन्वंतरी तो है पक्का। गोबर में लक्ष्मी है क्या? तो हम लोग 6-7 साल से ये प्रयोग कर रहे हैं और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में महालक्ष्मी है गोबर में, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। क्योंकि हमने गोबर का उपयोग किया खेतों में, यूरिया डीएपी बंद करा दिया। भारत में हमारा जो अभियान है ना, हिंदू स्वराज अभियान, आजादी बचाओ आंदोलन, इसके करीब करीब कार्यकर्ता पूरे देश में 18-20 हजार ऐसे हैं जो गोबर से ही खेती करते हैं, यूरिया का एक दाना नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, गोबर ही डालते हैं, जब जरूरत पड़े गाय का गोबर डालते। और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका 2 से 3 गुना बढ़ गया। पहले हमारा कोई कार्यकर्ता कपास करता था तो यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 2-2.5 क्विंटल, अब गोबर डाल के करता है तो 7 क्विंटल कपास। पहले हमारा एक कार्यकर्ता गेहूं करता था तो यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं, अब गोबर से गेहूं करता है तो 24 से 25 क्विंटल गेहूं उसी 1 एकड़। धान करते थे, चावल करते थे तो यूरिया डीएपी से आता था मुश्किल से 15-17 क्विंटल धान, चावल उसमें भी कम होता था। अब हम धान करते हैं तो 30 क्विंटल तक आता है उसी गोबर से। बाजरे में किया, मक्के में किया, गन्ने में तो इतना अद्भुत परिणाम है कि यूरिया डीएपी का गन्ना करो तो गन्ना ज्यादा से ज्यादा 8 फीट ऊंचा होता है, गोबर से गन्ना करो तो 14 फीट तक ऊंचाई जाती है। गन्ने में यूरिया डीएपी से रिकवरी 8% है, गोबर से रिकवरी 14-15% है। और जो गोबर से गन्ना करें और उसका गुड़ बनाएं, रस से गुड़ बनाएं, तो वो गुड़ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 70 रुपए किलो है और आप 15 रुपए किलो खरीदने में परेशान हैं।
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड़ मिलता नहीं किसी देश में, भारत में ही संभव है, क्योंकि देशी गाय ही भारत में है और किसी के पास देशी गाय है नहीं। तो गोबर में लक्ष्मी है, क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे, बाजार में बेचेंगे, लक्ष्मी आएगी। तो गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, सूत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी। अब ये गोबर पर एक्सपेरिमेंट करते करते हम यहां तक आए हैं कि गाय के गोबर में से गैस निकलती है। ये गैस से आप अपने घर का चूल्हा तो जला ही सकते हैं, ये तो पुरानी बात है। अभी आज की बात जो है वो ये कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी माने टाटा सूमो, टाटा इंडिका, टाटा सियरा, टाटा की वो सफारी, ये सब चलती है, बहुत आराम से चलती है। गोबर गैस है ना, उसको सिलेंडर में भरो और वो सिलेंडर गाड़ी में लगा दो, तो बिना इंजन बदले और कोई तकलीफ किए वही गाड़ी दौड़ती है। दिल्ली में आईआईटी है, कभी भी आप वहां चले जाइए, आईआईटी कैंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस का अभी फैसला हुआ है। हमारे देश का अदालत अब तक ये कहती थी कि गाय दूध न दे तो बेकार है, काट दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, वो कहते हैं ये दूध नहीं दे तो भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रही है। कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट बदला ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद। अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है, आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को। गांव गांव जहां भी गाय है वहां गोबर है, गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं, गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जगह, गैस निकालो और सिलेंडर में भरो। कंप्रेशर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो कंप्रेशर की मदद से गैस सिलेंडर में भरो और सिलेंडर खुद भी इस्तेमाल करो, दूसरों को भी दो। ये एलपीजी का चक्कर खत्म करो, क्योंकि एलपीजी आयातित है, माने इंपोर्टेड है। दूसरे देश के सामने हम भिखारी बन के खड़े हैं, जी दे दो, ईरान से मांग रहे हैं, इराक से मांग रहे हैं, ईरान आंखें दिखा रहा नहीं देते, हाँ देंगे तो इस कीमत पे देंगे, गरज है तो ले लो नहीं तो मत लो। तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रेरियाती है, घिघियाती है। ये चक्कर अभी खत्म करना, हमको तो डीजल पेट्रोल ही खत्म करना है इस देश में, जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोल। जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है, गोबर से गैस है, गैस से सब चलेगा। आपकी बिजली भी बना लो, गाड़ियां भी चला लो, रसोई गैस भी जला लो, घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं। और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके एलपीजी की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है, करके देख लीजिए आप। तो हमारी भविष्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं, गांव गांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए, कैसे प्लांट लगाया जाए, कैसे उसको निकाला जाए, गैस को कैसे सिलेंडर में भरा जाए। जिस दिन ये काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा, हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं, गाय से ही देश चलेगा, तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्ष्मी है। गाय के गोबर लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। भारत में 17 करोड़ गाय है, इसकी डबल चाहिए, 34 करोड़ में यह हो जाएगा। हमने जो हिसाब निकाला है, एक गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो, अभी एक 17 करोड़ गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड़ किलो, लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और एलपीजी का खर्चा ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए 34 करोड़। हम आधे का तो कर सकते हैं, आज जितनी गाय है 34 करोड़। अब ये 34 करोड़ गाय कहां से आएगी? ये तभी आएगी जब कटना बंद हो। आप अगर इसका संरक्षण करें, गाय का कटना इसका बंद करा दें, तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि भारत की जो गाय है देशी गाय वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम 17 बार मां बन सकती है वो, भारत की गाय। और ये जो जर्सी है ना, इसकी उम्र ही नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8 से 9 साल में 5-6 बारी मां बनती है। और भारत की जो देशी गाय है, इसके बारे में भागवत कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज भगवान ने नहीं बनाई। भागवत जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई भगवान ने नहीं बनाई। ये देशी गाय है, मां बनेगी, बछड़ा आएगा,
बछड़ी आएगी तो गाय बनेगी, बछड़ा आएगा तो बैल बनेगा, और देशी गाय का बछड़ा ही बैल बनता है, ये जर्सी वाला नहीं बनता, क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है, तो कंधा चाहिए ना बछड़े को बैल बनने के लिए, तो वो तभी संभव है। इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे जी संरक्षण कैसे हो, भागवत जी कहते हैं कि भारत को भगवान की सबसे अच्छी देन है वो ये गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं, इसकी हमेशा सेवा करो तो ये संरक्षित हो। शायद इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा गाय की सेवा करो तो मोक्ष मिलेगा, 33 प्रकार के देवता खुश रहेंगे। और मैंने करके देखा, ये देशी गाय आप घर में रखो, उसकी सेवा करो, सवेरे सवेरे सो के उठो, बस गाय को देखो, कुछ मत करो, बैठ जाओ देखो उसको सामने, और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा उसका चेहरा देखने मात्र से। करके देख लो इसको। मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने इकट्ठा किया है एक गौशाला में डिप्रेशन के मरीजों को इकट्ठा किया है। कोई दवा नहीं देते, वो कहते हैं जी गाय के सामने बैठो बस, और देखो उसको, देखो उसकी आंखें, देखो आंखों में जितनी सुंदरता है देशी गाय की कहीं नहीं मिलेगी आप। और जो आप गाय पहचान सकते हैं, भारत में एक गाय है किल्लारी गाय कहते हैं उसको, किल्लारी गाय, एकदम गुलाबी आंखें, सुर्ख गुलाबी आंखें, उसकी आंखें देख लिया आपने तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खत्म हो जाए, इतना आनंद मिलता है गाय को देखने से। तो गाय देखने मात्र से अगर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मूत्र से तो बीमारियां ठीक हो ही रही हैं, गोबर से तो बहुत कुछ हो ही रहा है अपने देश में, उसकी आंखें देखने मात्र से खुशी पैदा होती है। और उसी गाय के साथ एक भैंस को देख लो, बराबर में एक गाय खड़ी कर लो, एक भैंस खड़ी, भैंस का चेहरा देख लो आप, तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा। हां, भैंस का चेहरा देखते ही मन में जो पैदा होता है ना, वो वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा, और गाय का चेहरा देखते ही खुशी। तब मुझे ये सब बातें समझ में आई कि हमारे पूर्वज पुरखे गाय के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे। और आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाय से शुरू हुई, जो 1857 में मंगल पांडे ने गाय की चर्बी के कारतूस की बात सुनी नहीं होती तो गोली मारी नहीं होती तो क्रांति शुरू नहीं होती। और महात्मा गांधी जो इस आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, वो ये कहते थे मेरा शरीर काट दो, गाय को मत काटो। और एक जगह तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कड़क भाषा में कहा कि तुम भारत को गुलाम रखना चाहते हो रखो, गाय काटना बंद कर दो, मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। वो कहते हैं गाय बच गई तो आजादी तो आ ही जाएगी। एक बार गांधी जी को एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपको आजादी और गाय दोनों में से क्या चाहिए, तो कहते हैं गाय बचा दो, आजादी तो आ ही जाएगी। गांधी जी जैसे आदमी को इतना लगता था। और गाय के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें कहते हुए एक खराब बात कह दूं कि यही गाय सबसे ज्यादा कट रही है, और आप जिस राज्य में रहते हैं वहां सबसे ज्यादा कट रही है, तमिलनाडु और केरल। एक साल में 4.5 करोड़ गाय कट जाती है इस देश में। इस तमिलनाडु में ऐसे ऐसे कत्लखाने हैं जहां एक दिन में 14,000 गाय कट जाती है। आप चाहें तो सबके नाम पते मैं दे सकता हूं, इसी तमिलनाडु। केरल में उससे भी बड़े कत्लखाने हैं जहां एक दिन में 17-18 हजार गाय कट जाती है। तो जो गाय इतनी उपयोगी है वो कट रही है, इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल के दुष्चक्र से निकालना है। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, एलपीजी गैस का सिलेंडर आप कितने में खरीदते हैं? 300 रुपए में। हां, गाय गैस का सिलेंडर माने गोबर गैस का सिलेंडर उतना ही बड़ा जो एलपीजी का, आप अगर गोबर गैस का खरीदो तो 67 रुपए में मिलेगा, 67। आप 1 लीटर पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलाते हैं? 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर है ना, 20 मान लो, अच्छी से अच्छी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में अच्छी से 20 किलोमीटर, 1 किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलोमीटर चलती है, 1 किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलोमीटर।
और आप जब खर्चा निकालते हैं ना गाड़ी चलाने का पर किलोमीटर खर्चा, तो डीजल का खर्चा शायद 4.5 के आसपास आता है, पेट्रोल का खर्चा 6-6.5 रुपए आता है, गाय के गोबर से पर किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्चा 1.15 रुपए आता है। तो सस्ता भी पड़ेगा, हमारे यहां आसानी से उपलब्ध है क्योंकि गायें उपलब्ध है, और पूरे देश को डीजल पेट्रोल का साल का खर्चा अभी 2,80,000 करोड़ का हो चुका है। सरकार इसी से सबसे ज्यादा परेशान है, यह पूरा खर्चा बच सकेगा। और 2,80,000 करोड़ में तो 34 करोड़ गाय आराम से पाल सकेंगे। तो गाय बचाने का काम करना है, वो इसलिए कि भागवत जी बोलकर गए हैं कि ये सबसे सुंदर वस्तु या चीज या प्राणी बनाया इस देश में भगवान ने। और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं, प्राणी नहीं प्राण है ये देश का। और हम ये कहते हैं ना जानवर, जानवर नहीं जान है इस देश के। भारत को, अगर भारत की जान है तो ये गाय है, भारत की प्राण है तो ये गाय है, ये है तो हम हैं। कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है, हम गाय पालते हैं, उनको हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप गाय नहीं पालते, गाय आपको पालती है। ये अहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाय पालते हैं, आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है। आप क्या पालेंगे जी, वो तो भगवान की है, आपकी हैसियत नहीं उसको पालने की, वो तो भगवान की कोई कृपा हो गई आपके ऊपर जो आपको दे दी उसने, तो ये कृपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें। आप बोलेंगे जी क्या करें, सबसे पहला प्रयास कि गाय का कत्ल रुके। गाय का कत्ल रुकने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे। मुझे बाबूजी 3-4 दिन से एक जानकारी दे रहे हैं, एक राधा कृष्ण बजाज जी उनके यहां आया करते थे। राधा कृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो, बहुत बड़े गांधीवादी नेता रहे, विनोबा जी के साथ रहे और आजादी के आंदोलन से इस देश को संभालने और संवारने में लगे रहे। उन्होंने संकल्प ले रखा था जी दूध पीऊंगा तो गाय का ही। तो ये बाबूजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय का ही दूध पीते थे। अब मैं सोचता हूं कि राधा कृष्ण बजाज जैसा संकल्प सब ले लें कि जी दूध पिएंगे तो गाय का ही पिएंगे, पिएंगे ही नहीं भैंस का, पिएंगे नहीं डेयरी का, गाय का ही पिएंगे। तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आपने ही ये संकल्प ले लिया कि रोज गाय का ही दूध पिएंगे, तो इसी चेन्नई में गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी, आप देखना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आज का मार्केट कंज्यूमर मार्केट है, बायर्स मार्केट है, आज की दुनिया में खरीदने वाले का मार्केट है, बेचने वाले का कुछ नहीं है। जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है। तो आप सोच लो जी गाय का ही दूध पिएंगे तो गाय के दूध की सप्लाई आएगी। कैसे आएगी, कुछ लोग गाय खरीदेंगे, कुछ गाय पालन करेंगे, कुछ गौशालाएं खोलेंगी, कुछ दूध डेयरियां बनेंगी। फिर आप बोलेंगे जी देसी गाय मिलेगी, मिलेगी क्योंकि 17 करोड़ अभी है, पूरी नहीं कट गई है, 17 करोड़ अभी है तो मिल जाएगी। और जितनी अच्छी गाय चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी। आप कहेंगे जी देशी गाय का दूध कम होता है, ज्यादा दूध की गाय भी है, कम दूध की गाय है। भगवान ने इस देश में बड़ा बैलेंस बनाया। ये बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूध कम देती है उसके बछड़े मजबूत बैल होते हैं, और जिसका दूध ज्यादा है उसके बछड़े कुछ कमजोर बैल होते हैं। तो कम दूध देने वाली गाय बछड़ों के लिए है, ज्यादा दूध देने वाली गाय आपके लिए है। गाय सबको ध्यान रखती है, तो आप ज्यादा दूध वाली भी गाय ले सकते हैं। इस देश में ऐसी गाय है, आप चलो तो मैं दिखाऊं, जो 65 लीटर दूध देती है एक दिन, 65 लीटर। आपको चाहिए तो 1,00,000 रुपए की है, महंगी नहीं है। 5 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं आप, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, 1,00,000 की गाय क्या महंगी है। और वो गाय अगर आ गई तो आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैंने वो हरियाणा में देखी है, पंजाब में देखी है, 65 लीटर दूध है, एक आदमी निकाल नहीं पाता, 3 लगते हैं निकालने। हाँ, क्योंकि कितना निकालेगा। और मैंने देखा हरियाणा में जो लोग रखते हैं ना, उनके घर में 3 लोग उसका दूध दुहते हैं। और इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूध दुहने बैठ जाए, नहीं लात मारती ना सींग मारती है, दूध बहुत है।
खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका, क्योंकि दूध इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा। उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाएं, तो गन्ना होता है ना, गन्ना उसके ऊपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ, दूध उसका बढ़ता ही रहता, कम नहीं होता। पहली बार मां बनेगी, दूसरी बार दूध बढ़ता ही जाता, गन्ना खिलाते रहो बस उसको सबसे ज्यादा। ऐसी भी गाय इस देश में है जो 65 लीटर दूध देती है, और ऐसी भी गाय है जो 1 लीटर दूध देती है, वो आपके आसपास है। लेकिन 1 लीटर वाली भी तिरस्कार मत करो, क्योंकि वो बछड़े जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे। तो बैल तो चाहिए हमें, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे। जो डीजल 100 रुपए लीटर हुआ तो क्या चलाएगा ट्रैक्टर किसान, तो बैल तो चलाना ही पड़ेगा। इसलिए देशी गाय कम दूध वाली, उसको आप तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो, उसके बछड़े मजबूत बैल हैं। जो दूध ज्यादा देती है उसके बछड़े कुछ कमजोर होते हैं। मैंने वो करके देखा, कम दूध वाली गाय का बछड़ा बैल बनता है ना, तो 3 टन माने 3000 किलो माल आराम से 40 किलोमीटर तक बिना रुके लेके जाता है। और जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है उसका बछड़ा 3 टन माल लेके जाएगा, लेकिन 3 जगह रुकेगा, रेस्ट लेगा फिर चलेगा। और जो कम दूध वाली गाय का बछड़ा है वो स्पीड बहुत तेज है उसकी, दौड़ने में आप मुकाबला नहीं कर सकते घोड़े का उसके साथ। और जो ज्यादा दूध वाली गाय है उसका बछड़ा होता है बैल, लेकिन धीरे धीरे चलता है। तो हर एक चीज की अपनी अपनी विशेषता है। इस देश में भगवान ने सब कुछ सोच समझ के बनाया। तो आप दूध पीना शुरू करो गाय का, तो गाय की डिमांड बढ़े, तो फिर यहां गौशाला खोले या पहले से चल रही गौशाला सुधारो। फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां, चेन्नई के आसपास इतनी जमीनें हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। और ये विदेशी कंपनियां आ आके चेन्नई के आसपास जमीनें खरीद रही हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते गाय के लिए। तो आप सब मिलकर, मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समिति बना लो या तो एक ट्रस्ट बना लो, 200-400-500-1000-2000 गाय रख लो। संभालना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे। और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करो, एक एक गाय आपके नाम से वहां रहे, घास चारा खिलाने वाला और उसकी साज संभाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। क्योंकि गाय पालन करने के लिए मन में जो भक्ति है ना, वो बहुत लोगों में अभी भी बची हुई है। ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखे हैं जो गाय पालन के लिए कहीं भी जाने को तैयार है, उत्तर प्रदेश में है, तो वो आ जाएंगे आपकी गायों को संभालेंगे। उनको पुण्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपको दूध चाहिए, दोनों का मेल हो जाएगा। तो पालने वाले भी मिल जाएंगे, गाय भी मिल जाएगी, बस आप तो संकल्प कर लो जी कि हम तो करेंगे। अब आप में से जो भी लोग दानवीर हैं, जो दान देते हैं, मैं कहता हूं गाय के लिए निकालो थोड़ा थोड़ा। और गाय के लिए थोड़ा थोड़ा निकाला तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी। मैं तो आपको मेरे छोटे से गांव की जानकारी दे रहा हूं। मैं बहुत छोटे गांव में रहता हूं, सेवाग्राम उसका नाम है, गांधी जी का बसाया हूं, तो गांधी जी का असर अभी तक उस गांव पर है। गांधी जी गाय को बहुत प्रेम करते थे, तो उस गांव के जितने भी किसान है वो गाय ही पालते हैं। मैं जिस छोटे से गांव में रहता हूं, उस गांव के आसपास के 40 गांव में 56,000 गाय है। आसपास के 40 गांव में 56,000 गाय, हर दिन 1.25 लाख लीटर दूध आता है, और जिसको चाहिए वो चला जाता है। फिर थोड़ा बच जाता है तो उस दूध से बिस्किट बनाते हैं, गाय के दूध का बिस्किट। हमारे यहां का खा लें तो आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे। फिर वो बच जाता है तो फिर दही बना लेते हैं, दही का मट्ठा, मट्ठे से मक्खन बना लेते हैं, मक्खन से घी भी मिल जाता है, तो घी भी मिलता है वहां पे गाय के दूध का, मक्खन भी मिलता है, मावा मिलता है, मावा माने खोवा, फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं, वगैरह वगैरह सब हो रहा है। और जो किसान ये गाय पाल रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है ज्यादा, आप ध्यान दो इस बात, किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़, लेकिन सब लखपति है गाय की ताकत से। जमीन ज्यादा नहीं है, जितनी है वो गाय के घास चारे के लिए ही पूर्ति है, लेकिन दूध और दूध की दूसरी चीजें जो वो दे रहे हैं। कुछ किसानों को तो ये बात इतनी समझ में आई है कि अब उन्होंने दूध देना बंद किया। वो कहते हैं जी दूध नहीं देंगे, आपको घी चाहिए तो ले लो, घी दे देंगे आपको, शुद्ध गाय का दूध नहीं देंगे। मैंने एक दिन पूछा भैया क्यों, तो उसने कहा ये जो दूध हम दे देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, जो घी देंगे तो मट्ठा तो बचेगा कम से कम। देखो कितनी इंटेलिजेंसी, वो आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, एग्रो इकोनॉमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा, वो कह रहा है कि जो दूध दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है, मैं मट्ठा तो बचा सकता हूं अगर घी दूंगा आपको, मट्ठा मैं पीऊंगा, मेरे बच्चे पिएंगे, बचेगा तो गाय पिएगी, घी आप ले जाओ।
तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे ना, दूध बेचा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं ना पुराने लोग, दूध बेचना पूत बेचने जैसा है, बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूध भी नहीं बेच सकते। तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी कि आप अगर दूध बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो दूध बेचो मत, दूध की बनाओ दही, दही का बनाओ मट्ठा, मट्ठे से निकालो मक्खन, घी बेचो, तो घी बेचो तो भाव भी अच्छा है, 180 रुपए किलो तो हमारे यहां मिलता है, लेकिन वही घी बंबई जाता है तो 500 रुपए किलो बिक जाता है, बेंगलोर चला जाए तो 600 रुपए किलो भाव है, जर्मनी चले जाए तो 4000 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है वही घी का, 180 से लेकर 4000 रुपए किलो तक का रेट है गाय के देशी घी का, जर्मनी वहां अमेरिका वगैरह वगैरह, उनको भी चाहिए मिलता नहीं क्योंकि उनके पास देशी गाय नहीं जर्सी। तो मेरा मानना है गाय का आप थोड़ा पालन, उसका संरक्षण संवर्धन शुरू कर दो, गौशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो आपकी गौशाला को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, दान के रूप में मैं आपको विनम्रता से कहता हूं, एक गाय जो दूध देती हो साल की कमाई उसकी 2 लाख रुपए की है और खाने का खर्चा उसका 20,000 रुपए का है, तो 20,000 का खाना खाएगी, 2 लाख की इनकम है, दूध के रूप में, दही के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में, मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में, टोटल इनकम 2 लाख की। और जो बूढ़ी हो गई दूध देना बंद करे तो भी साल की इनकम 1.25 लाख की है, तो भी खर्चा वही 20,000 का है, तो इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है। इसलिए गाय का बिजनेस भी आप करें, दूध का, गाय से मतलब दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, गोबर का आप शुरू कर दो। मैं आज बोल रहा हूं, 3 साल बाद सरकार बोलेगी इसी बात को कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगह जगह, सिलेंडर में गैस भरो और गाड़ियां चलाओ, डीजल हम ला नहीं सकते, पेट्रोल ला नहीं सकते, 150 रुपए लीटर है। तो इसलिए ये गोमूत्र से शुरू हुई आपके बीच की बात वहां तक पहुंचती है, और आप दूध पियोगे तो गाय बढ़ेगी, मूत्र का उपयोग करो दवा के लिए तो भी गाय बढ़ेगी, गोबर का उपयोग करो खेत में तो भी गाय बढ़ेगी। ये 3 तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं। अब मैं 5 मिनट में खत्म करता हूं कि गोमूत्र से और क्या क्या कर सकते हैं। हां, और क्या क्या, बागवती जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग, आंख के सभी रोग कफ के रोग हैं जो आंख में हैं, जैसे मोतियाबिंद हुआ ये कफ का रोग है, कैटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक रोग है ना, काला पानी काला, रेटिनल डिटैचमेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाज ही नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का ऑपरेशन भी नहीं है उसका, हो भी तो सक्सेस नहीं है। आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को कहो रेटिनल डिटैचमेंट का, तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं, गारंटी नहीं है विजन आएगा कि नहीं। तो रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, और आंखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुत हैं, आंखें लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना, तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब गोमूत्र से ठीक होती है, क्योर होती है, शब्द पे ध्यान देना, कंट्रोल नहीं, क्योर होती है, जड़ से खत्म होती है। आप बोलेंगे जी क्या करें, बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छानकर एक एक बूंद आंख में डालें। आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना, तो जरूर डालें, 3 महीने में आप लगातार डाल के देख लीजिए, नंबर बदल जाएगा और 1.5-1.5 महीने में चश्मा उतर जाए। ग्लूकोमा बिना ऑपरेशन ठीक होता है 4-4.25 महीने में, कैटरेक्ट अगर आपको डिसॉल्व करना है 6-6.25 महीने में ठीक हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट को 1 साल लगता है, लेकिन लगातार गोमूत्र डालते रहिए एक एक बूंद, बस इतना पर्याप्त है। आंखों में बच्चों के कान बह रहे हैं, कान आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है, बस 2 या 3 दिन एक एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजिए, पूरा कान साफ हो जाएगा, मवाद निकलना बंद। बच्चों की नाक बहुत बहती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बागवती जी कहते हैं कि नाक बह रही हो, सर्दी बहुत हो, जुकाम बहुत हो, तो गोमूत्र तो नहीं कहा उन्होंने, गोघृत कहा, गोघृत माने गाय का घी, एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के, सर्दी जुकाम ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग, गाय का घी। अच्छा, आपको नींद नहीं आती, अच्छी नींद लेनी है, बढ़िया नींद लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, रात को एक एक बूंद गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ, बहुत गहरी नींद आएगी।
आपको खर्राटे बंद करने हैं। बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय, सोने वाला तो नहीं जानता, पड़ोसी जानता है कि क्या तकलीफ होती है। तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा मैं बता के जा रहा हूं, गाय का घी एक एक बूंद नाक में डाल लो, 3 दिन बाद चौथे दिन से खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाए, स्मूथ एकदम आपकी नींद हो जाए। तो गाय के घी का भी उपयोग है औषधि के रूप में, गौमूत्र का। अब आता हूं, बाल झड़ते हैं बहुत, बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं बाल झड़ रहे हैं, तो गाय के दूध का दही बनाओ, दही दही को तांवे के बर्तन में रख दो, 5-6 दिन रखा रहने दो, फिर हरा हरा हो जाएगा, फिर उस दही को बालों में लगाओ, 1 घंटे के बाद बाल धो दो शीकाकाई से, शैंपू से नहीं शीकाकाई से, हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं। और बाल टूटना एक ही हफ्ते में बंद हो जाते, एक ही हफ्ते। कई बहनों ने तो मुझे बताया, राजीव भाई हमने तो एक ही बार किया था, उतने में भी बंद हो गए। अच्छा, भविष्य में बाल ना टूटे, अच्छे रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, तो महीने में 1 बार या नहीं तो महीने में 2 बार गाय के मूत्र से बाल धो लो। बहुत अच्छा कंडीशनर है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंडीशनर है गाय का मूत्र। तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते ना, उसकी जगह गोमूत्र यूज कैसे करें, गाय के मूत्र में थोड़ा पानी मिला देना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर लेना। और आगे बढ़ता हूं, बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो, बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को 1 चम्मच गोमूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा। आपको पीना है तो आप भी पी लो, आधा कप तक पी सकते हैं। फिर उसके बाद मूत्र पिंड के जितने भी रोग हैं, मूत्र पिंड के रोग आप सब समझते हैं, किडनी के फेलियर के और किडनी के तकलीफ के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, उपयोग करो। गाय का मूत्र आधा कप, किडनी फेलियर के सब केसेस में आप उपयोग कर सकते हैं, मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं। जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गोमूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा, पेशाब में जलन होती है गोमूत्र पीना शुरू करो जलन बंद, पेशाब कई बार लाल रंग का आता है गोमूत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा। मूत्र के लगभग 22-23 रोग इस अकेले गोमूत्र से ठीक होते। फिर आपको कब्जियत बहुत है, कब्जियत पेट साफ नहीं हो रहा है, 3 दिन गोमूत्र पी लो आधा आधा कप, 4th दिन से एकदम पेट साफ होगा, एकदम पेट साफ। फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के, कफ के, पित्त के, आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। पित्त के रोगों के बारे में बागवट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उपयोग ज्यादा करें। पित्त के रोगी, पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है, एसिडिटी, ये लोग अगर गोमूत्र पिए पित्त ठीक करने के लिए तो घी ज्यादा खाएं, बस इतना ही निवेदन है उनका। बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें। तो बाल में उपयोगी, शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप, तो आपकी त्वचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं ना सब चले जाए, आंखों के नीचे डार्क सर्किल है, रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो, डार्क सर्किल चले जाएंगे। आप खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, थोड़ा मालिश कर लो, सब खत्म हो जाए। तो ये गाय का मूत्र अद्भुत है। अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं आजकल के गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, वाष्प को ठंडा करके अर्क बनता है, अर्क अर्क तो आप समझते हैं, तो गोमूत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं, नहीं मिले तो, लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना, अर्क सूक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए बागवट ने नियम दिया है। वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, मूत्र पीना है तो आधा कप पर्याप्त है, अर्क लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, तो अर्क भी ले सकते हैं। अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं, ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं, इनसे भी ले सकते हैं, ये यहीं पर इनकी गौशाला चलाते, आप भी गौशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है। और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिकता है, बड़े बड़े वैद्य खरीदने को तैयार है। आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो, एक गाय 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, और 100 गाय अगर आपके पास है तो साल की इनकम 1 करोड़ की आराम से हो जाएगी, अर्क बेच के ही हो जाएगी। अर्क के बाद जो बचता है ना, जिसको हम कचरा समझते हैं, उससे साबुन बनता है, साबुन, और इतना अद्भुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खत्म कर देता है।
अर्घ निकालने के बाद जो बचता है उससे शैंपू भी बनता है, साबुन भी बनता है, वॉशिंग पाउडर भी बनता है, आपका फर्श साफ करने के लिए वो जो आप फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये गोमूत्र अर्घ का भी बनता है फिनाइल। गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में, टाइल्स समझते हैं जो छत में लगाते हैं, और वो लगा दो तो टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर देता है, टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर दे। तो ऐसी अद्भुत गाय भगवान ने हमको दी, प्रकृति ने दी, इसका संरक्षण संवर्धन हम करें, मूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, घी का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें, और हर चीज उपयोग करेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो गाय आएगी। आप भी गाय रख सकते हैं, भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है, और कई लोग तो ये सुन सुनकर कार बेच के गाय ले आए, स्कूटर बेच के गाय ले आए, मोटरसाइकिल बेच के, क्योंकि वो कहते हैं राजीव भाई आप ही बोलते हो 10 साल के बाद मिलेगा कि नहीं, डीजल पेट्रोल भरोसा नहीं, फिर ये कार करेगी क्या, बैलगाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा, तो पहले ही गाय ले आओ तो गोबर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी तो डीजल ना मिले तो भी कार चल जाएगी, पेट्रोल ना मिले तो भी कार। तो ये सब मैंने आज आपको कहा, बागवत चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है, गोमूत्र पर, मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए, आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में और सुखी रहें, निरोगी बनाएं। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये किताबों में है, गोमूत्र चिकित्सा पर विशेष किताब हमने बनाई है, उसमें बागवत के 64 सूत्र हैं, सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र हैं, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और वो पुस्तक पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, आप क्या करें उस पुस्तक को अपने नाम से छपा लें, हमारा नाम निकाल के अपना लिख लें, तो मैं कभी मुकदमा करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं ये बात जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो हमारा लक्ष्य है गाय बचे, और बागवत चिकित्सा में गोमूत्र का उपयोग होने लगे, मेरा लक्ष्य तो वो है, पुस्तक ज्यादा लोगों तक जाएगी तो तभी ये हो पाएगा, और मैं अकेला कितनी छाप छाप के बांटूंगा, मेरी एक लिमिट है, लेकिन सब अगर यही करने लग जाए तो लिमिट टूटेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस पर CD भी बनाई है, पुस्तक भी है, आप चाहे तो ले ले। अभी प्रश्न आपके, आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, माफ करिएगा जी। प्रश्न, एक सवाल यह है कि आपने कहा कि गोमूत्र में सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन है, लेकिन हल्दी में भी कर्क्यूमिन है। हाँ, वो कल बात करने वाला, हल्दी की बात कल आएगी, हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपर्टी हल्दी में है। और दूसरी बात यह है जी कि जैसे त्रिफला चूर्ण है, मेथी है, गोमूत्र है, तो ये क्या क्या चीज सुबह में लोग लें, क्या क्या पिए? हाँ, क्या क्या लें? अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीजें अब आपके सामने हैं, सवेरे क्या क्या लें, तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विनती के रूप में करना चाहता हूं कि 30 तारीख को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में, वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब हमारे सामने सिलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या क्या करें। अब सवेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई है, तो आप 2 दिन इंतजार कर लें, 30 तारीख का सेशन मैं इसी के लिए करने वाला हूं कि जितना आपके पास ज्ञान आ गया, अब इसमें से सेलेक्टिव कैसे हो, कौन कौन सी 1, 2, 3 चीजें करें जो आपके लिए पर्याप्त हो, वो मैं आपकी प्रकृति, स्वभाव और चिकित्सा रोग के हिसाब से बताऊंगा। जैसे वात वाले हैं वो क्या क्या कर ले, पित्त वाले हैं वो क्या क्या कर ले, कफ वाले हैं वो क्या क्या कर ले, और ये जो सारा बोला है इसका समअप भी 30 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के इसी सेशन में मैं करूंगा। गाय के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, अच्छा है, गाय का पंचामृत जो होता है वो इतना शुद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं। सही बात, मैंने इसका सदुपयोग किया है, पांचों चीजों को जिसको मिलाकर के आप ले तो जिंदगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है, उसके बारे में आप बताते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, थोड़ा गाय के गोबर का रस, और ये सब मिलाकर थोड़ा गुड़, ये है पंचामृत। इसमें गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि दूध में वैसे शहद नहीं मिलाते, लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है, घी में शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता। तो पंचामृत बनाने की विधि,
पुस्तक में है, आप ले लो। ये पंचामृत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है। वात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है, बहुत गहराई से असर करता है। अबनॉर्मलिटी इन हॉर्मोन्स, उसका कोई क्योर है? हाँ बिल्कुल है। आप इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे? जरूर, मैं आपको लिख के देता हूँ। जरूर जरूर। बटाटा नहीं खाना? नहीं, सुबह सुबह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा, रात को खाओ तो वेट बढ़े। पराठा रात को नहीं खाना, सुबह खाना। आप थोड़ा या तो चूना खा लो, और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पी लो, एलर्जी सब तरह की ठीक हो। चूना खाने के लिए 1 ग्राम चूना दही में मिला के या मट्ठे में मिला के, छाछ में, नहीं तो पानी में मिला के। नहीं, दिन में, सुबह। गुस्सा नहीं आए, गाय का घी नाक में डालो, गुस्सा नहीं आएगा। गाय का घी नाक में डाल के सोना। एक दिन में अगर आप मेहनत का काम करते हैं, रात को मैं बोल रहा हूं, मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 8 घंटे नींद चाहिए। मेहनत करते 8 घंटे, और अगर मेहनत नहीं करते सिर्फ बैठने का काम है तो 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे। गोबर गैस, गाय की गौशाला जो होती है ना, जहां गोबर है वहीं पर यह गोबर गैस बनती है, और वहीं से सिलेंडर में भर के हम सबको दे सकते हैं। गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनट में पी लेना चाहिए, बोतल में भर के 4-5 दिन तक रख सकते हैं। कांच की बोतल, बीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दाना, रात को पानी में डाल के। हाँ,